आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी इस्लाम। आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। शुरू करते हैं वर्ल्ड टॉप 10 खबरों का सिलसिला। पुरअमन तरीके से अख्तिताम पजीर हुआ इराक में पार्लियामानी इंतखाब। वोटिंग को लेकर आइंदेकार ने दिखाया आदम दिलचस्पी का इजहार। वोटिंग फीसद के काफी कम रहने की उम्मीद। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 41% राहिंदेगार ने की वोटिंग। 2018 के पार्लियामानी इंतखाब में 44.5% हुई थी वोटिंग। इब्तदाई नतज के आज ऐलान किए जाने की उम्मीद। हतमी नतज का आइंदा इतवार तक ऐलान होने की है उम्मीद। लेबनान में जुजवी तौर पर बहाल हुई बिजली सप्लाई। आर्मी की मदद से बिजली सप्लाई हुई बहाल। आर्मी की तरफ से पावर कंपनी को 6 किलो लीटर फरहम कराया गया गैस ऑयल। वाजे हो कि गुज़िश्ता सनीचर को मुल्क के 2 सबसे बड़े पावर स्टेशन जहरानी और दायर अम्बार को करना पड़ा था बंद। तेल दरामदात के लिए सेंट्रल बैंक ने वजारत तवानाई को दिया 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने सीनियर अहलकारों पर दिया जोर। आम लोगों का म्यार जिंदगी बुलंद करने पर फोकस करने की दी हिदायत। सरकारी मीडिया के मुताबिक बरसर इख्तदार जमात वर्कर्स पार्टी के 76वें योम तासीस से खिताब करते हुए किम जोंग उन ने कही, ये तमाम बातें वाजह हो कि आलमी पाबंदी और कुदरती आफात के सबब माशी बहरान का शिकार है शुमाली कोरिया। खुफिया दस्तावेज चुराने के इल्जाम में अमेरिकी बहरिया का न्यूक्लियर इंजीनियर जोनाथन टोएबे और उसकी अहलिया टाइना की हुई गिरफ्तारी। मगरबी वर्जीनिया से हुई गिरफ्तारी। एटमी एनर्जी एक्ट के तहत हुई गिरफ्तारी। जौहरी आबदाजों से मुतालिक खुफिया जानकारी 1 लाख अमेरिकी डॉलर में बेचने का इल्जाम। महकमा इंसाफ के मुताबिक FBI के अंडरकवर एजेंट को दी जौहरी आबदाजों से मुतालिक अहम मालूम। अमेरिका में जारी है कुदरती आफत का कहर। ओक्लाहोमा, टेक्सास और फ्लोरिडा में आंधी, तेज बारिश और आला पड़ने से मामूलात जिंदगी हुई मुतासिर। ओले से रिहायशी मकानात की खिड़कियों को पहुंचा नुकसान। खराब मौसम के सबब साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने मुतासिर इलाकों की 30% से ज्यादा फ्लाइट हुई मंसूब। यूरोपीय यूनियन के साथ बने रहने की हिमायत में पोलैंड में पुरजोर एहतजाज। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हुए जबरदस्त एहतजाज। राजधानी वारसा में 80,000 से 1 लाख लोगों ने किया एहतजाज। मुजाहिरीन ने हाथों में पोलैंड और EU का उठा रखा था परचम। बरसर इख्तदार जमात लॉ एंड जस्टिस पार्टी ने कहा EU से निकलने का नहीं है कोई इरादा। वाजे हो कि वजीर आजम ने EU पर जोर दिया था कि सभी मेंबर मुल्कों का एहतराम और मसावी दर्जा दिया जाना चाहिए। गैर कानूनी तरीके से यूरोप में दाखिल होने की कोशिश में स्पेन कोस्ट गार्ड ने फिर बचाए कई अफ्रीकी महाजरीन की जान। अटलांटिक ओशियन के ग्रांड कनारिया जजीरे में बचाए महाजरीन की जान। महाजरीन में खवातीन और बच्चे भी थे शामिल। स्पेनी वजारत दाखिला के मुताबिक 30 सितंबर तक समुद्री रास्ते से 13,000 से ज्यादा महाजरीन स्पेन में हो चुके हैं दाखिल। मैक्सिको पकड़ा गया मंशियात का बड़ा कंसाइनमेंट। बहरिया ने 7 किलोग्राम मरिजुआना, 3600 लीटर गैसोलाइन और 240 किलोग्राम से ज्यादा ममनुआ दवाई की जब्त। स्पीड बोट के साथ 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। स्मगलर्स को पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर और पेट्रोल बोट्स की ली गई मदद। आलमी कप चैंपियन फ्रांस ने जीता नेशंस लीग का खिताब। फाइनल में पिछड़ने के बावजूद स्पेन को दी शिकस्त। हाफ टाइम तक दोनों टीमें गोल करने में सही नाकाम। फातिह टीम के लिए करीब बेंजमा और एम्बापे ने किया गोल। स्पेन की जानिब से माइकल और जाबल ने किया गोल। इंडियन वेल्स से ATP मास्टर्स में मैटो बरेटिनी, यानिक सिन्हा, गेल मोनफिल्स और एंटी मुरे ने दर्ज की जीत। तीसरे राउंड में बनाए जगह इटली के बर्रेटिनी के चिली के एलियांट्रो तबिलो को 6-4, 7-5 से दी शिकस्त। इटली के ही सीनियर ऑस्ट्रेलिया के जाहन मिलमेन को 6-2, 6-2 और फ्रांस के गेल मोनफिल्स ने ज्ञान लुका मागेर को 6-4 और 6-2 से दी शिकस्त। मुरे को जीत के लिए 3 सेटों तक करनी पड़ी मेहनत। सख्त मुकाबले में स्पेन के कार्लोस अल्कारास पर 5-7, 6-3, 6-2 से दर्ज की जीत।